गिट्टी खदान पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर का पर्दाफाश करते हुए एक शाति चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 5 मामले उजागर कर उसके कब्जे से 5 दोपहिया वाहन सहित कुल 2,95,000 रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी ऋतिक लेखीराम लांजीवार उम्र 21 साल चंद्रमणि चौक कंट्रोल वाड़ी अमरावती रोड निवासी बताया जा रहा है। मानवता नगर निवासी मनीष अरुण कोयर उम्र 33 वर्ष ने अपनी बाइक MH31EL8606 घर के सामने लॉक करके रखी थी और गत 20 जनवरी को अज्ञात चोर बाइक चुरा ले गया। मनीष ने गिट्टी खदान थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीक के आधार पर थाने के गश्ती दल ने आरोपी ऋतिक लांजीवार को जाल बिछाकर दबोच लिया है। आरोपी को दोपहिया वाहन के साथ पकड़ने के बाद जब पूछताछ की तो वह टाल मटोल जवाब दे रहा था। कड़ी पूछताछ करने के बाद उसने बाइक चुराने की बात कबूल की। उसने गिट्टी खदान क्षेत्र से सुजुकी जिक्सर MH31FM1666 डीओ मोपेड MH31FD7727 अम्बासरी क्षेत्र से रॉयल एनफील्ड MH31FE9708 व प्रताप नगर क्षेत्र से होंडा CPR MH37U8436 चुराने की बात कबूल की। आरोपी ने गिट्टी खदान क्षेत्र से 3, अम्बासरी से 1 व प्रताप नगर क्षेत्र से 1 वाहन चुराने की बात कबूल की है। पुलिस उपायुक्त राहुल मदने के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेश साकरे के नेतृत्व में उप निरीक्षक गोपाल राउत, हवालदार बलजीत ठाकुर, अजय यादव, अशोक रामटेके, ईशांक आटे, पुलिस नायब आकाश लोथी, सचिन खड़से, नितेश वाकड़े, नागनाथ कोकरी ने यह कार्यवाही की है। गिट्टी खदान एरिया में रहने वाले मानवता नगर यहाँ पे रहने वाले फिरियादी मनीष भोयर उम्र 33 साल, इनकी हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस गाड़ी चोरी करने की तकरार आई थी थाने में। उसके ऊपर से हमने गुनाह दाखिल करके नमूद हमारे थाने के तपास पदक के अमलदार इन्होंने पेट्रोलिंग दरमियान आरोपी नामे लिखित लांजेवार राहना बाड़ी इसको ताबे में लेके पुलिस थाने में लाके सबको पूछताछ की। उसके बाद उसने गुनाह करने की कबूली देने की वजह से उसको गुने में गिरफ्तार कर लिया और दिनांक 28/1/2024 को उसका PCR लिया। PCR दरमियान उस आरोपी ने और 4 गाड़ी चोरी करने की कबूली देने की वजह से सभी गाड़ी आरोपी की तरफ से जब्त की, तो ऐसा मिला कुल मिलाकर 2,95,000 का मुद्देमाल आरोपी की तरफ से जब्त कर लिया। नमूद कार्रवाई में पुलिस हवलदार बलजीत ठाकुर और उनकी टीम पोहवा अजय, पोहवा अशोक रामटेके, पोहवा ईशांक आटे, पुलिस हवलदार अशोक लोथे, सचिन खड़से, नितिन वाकड़े, नागनाथ कोकरे यह इस कार्रवाई में शामिल थे। और यह कार्रवाई हमारे परिमंडल टू के DCP साहब राहुल मदने साहब इनके मार्गदर्शन के नीचे और सहायक पुलिस आयुक्त सदर विभाग अभिजीत पाटिल साहब इनके मार्ग के नीचे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गिट्टी खदान थाने के सागरे साहब इनके मार्ग के नीचे की है और नमूद इसका तपास आगे चल रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ भाग्यश्री वेतुंडे की रिपोर्ट। शादी के तुरंत बाद ही ससुराल वालों ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति उसे विदेश तो ले गया लेकिन वहाँ भी उसकी प्रताड़ना कम नहीं हुई। विवाहिता को सब्जी बेचने और वेटर का काम करना पड़ा। आखिर परेशान होकर पीड़िता नागपुर लौटी और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 30 वर्षीय अश्मिका की शिकायत पर उसके पति अभिजीत बाकुल, सास प्रतिभा बाकुल और ससुर दिलीप बाकुल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तीनों पुणे के कलानगर इलाके के रहने वाले हैं। अश्मिका की शिकायत के अनुसार मार्च 2022 में उसकी सगाई अभिजीत के साथ हुई थी। सगाई में दिए गए गहने ससुराल वालों ने तुरंत ही वापस ले लिए। अप्रैल 2022 में उनका विवाह हुआ। हम उसमें गुना दाखिल हो चुका है। जो भरोसा सेल में हम भेजते वहाँ डिस्प्यूट नहीं सुलझा जा सकता तो ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसके बारे में जो पीड़ित महिला है उनको हम न्याय देंगे। उसके जो आरोपी है उनके खिलाफ जांच चालू है और जल्दी से जल्दी जांच करके महिला ऑफिसर से वो चार्जशीट हम दाखिल करेंगे और जो गुनहगार है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। कंप्लेंट में तो ऐसा लिखा है कि दहेज का है इशू और मारपीट करते थे, तो IPC 498A के तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है, उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। सारा खर्च अश्मिका के परिजनों से करवाया गया। शादी के तुरंत बाद ही सास प्रतिभा ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उस पर अभद्र टिप्पणी करने लगी। अभिजीत ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में कार्यरत था। वह अश्मिका को अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गया। वहाँ माँ के कहने पर अभिजीत लगातार अश्मिका को प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था।
प्रतिभा के कहने पर अभिजीत ने अश्मिका का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से उसे वेटर और सब्जी बेचने का काम करना पड़ा। आखिर परेशान होकर अश्मिका नागपुर लौट गई और सीतापुरी पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। गढ़चिरौली के एक सिविल इंजीनियर को हनी ट्रैप में फंसाने के मामले में सोमवार को नागपुर से गिरफ्तार चारों आरोपियों को मंगलवार को गढ़चिरौली पुलिस ने जिला कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायालय ने सभी आरोपियों को आगामी 7 दिनों तक पुलिस की हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। उधर इस मामले में फरार एक महिला की तलाश में एलसीबी की टीम जुट गई है, साथ ही गिरफ्तार चारों आरोपियों से कड़ी पूछताछ शुरू होने की भी जानकारी मिली है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी नागपुर के हिन्ना निवासी क्राइम ब्रांच में कार्यरत पुलिस कर्मचारी सुशील गवई, नागपुर के एक न्यूज पोर्टल का पत्रकार रविकांत कामले, नागपुर के सुभाष नगर निवासी रोहित अहिर और ईशानी नामक महिला ने पीड़ित अभियंता को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर 10 लाख रुपयों की मांग की थी। इस रकम के लिए लगातार दबाव भी बनाया गया था। पीड़ित अभियंता द्वारा रविवार को इस मामले की गढ़चिरौली पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करते ही जिला पुलिस विभाग ने स्थानीय अपराध शाखा को मामले की जांच की कमान सौंपी। एसएसपी की टीम ने महज 24 घंटों की कालावधि में नागपुर से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक महिला आरोपी फरार होकर अब भी वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर होने की जानकारी मिली है। नियमों के तहत मंगलवार को गिरफ्तार सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने सभी आरोपियों को आगामी 5 फरवरी तक पुलिस की हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के मार्गदर्शन में गढ़चिरौली के थानेदार अरुण फेगड़े मामले की जाँच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। नागपुर के हिंगना पुलिस थाने के समृद्धि हाईवे के शुरुआती पॉइंट से कुछ ही दूरी पर स्थित कोटेवाड़ा शिवान में देर रात करीब 11 बजे के दौरान दो व्यापारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की लूट की घटना सामने आई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लूटी हुई रकम आदि ट्रेवल्स के मालिक दशरथ पटेल की थी। यह वारदात उस समय हुई जब आदि ट्रेवल्स के 2 कर्मचारी कार से सूरत की ओर रकम लेकर जा रहे थे, तभी दूसरी कार में आए तकरीबन 5 से 6 लुटेरों ने व्यापारियों का पीछा किया और उनसे 2 करोड़ रुपए की बैग छीन ली। नागपुर के हिंगना पुलिस स्टेशन की टीम आधी रात से ही मौके पर पहुंच गई है और लुटेरों की तलाश करी है। ऐसे बीच दोनों व्यापारियों से लूटी गई रकम के हवाला की होने की भी चर्चा है। यह रकम करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टेप देकर इस घटना को अंजाम दिए जाने की भी चर्चा है, जिसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि इन लुटेरों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ भाग्यश्री वितोंडे की रिपोर्ट।